स्वागत है आपका हमारी कंपटीशन पावर चैनल में क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन तक इससे पहले हम आपको दे चुके हैं तो एटीन से स्टार्ट करते हैं आज एटीन नंबर क्वेश्चन है कीमत घटने की स्थिति में निकृष्ट वस्तुओं के लिए कैसी स्थिति बनती है कीमत घटने पर क्या होता है जो निकृष्ट वस्तुएँ हैं उनकी स्थिति क्या बनती है तो वो होता है यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं नाइनटीन नीचे दिए हुए आरेख में उपभोग फलन प्रदर्शित किया गया है इसके लिए क्या सकते एक ग्राफ दिया गया है इसको देखते हैं यहाँ पर ए ए वन ये ग्राफ दिया गया है, एक साइड में ये उपभोग और आय दिखाया गया है तो इसमें से आप आफ चार ऑप्शन दिए गए हैं इनको देख के कौन सा सही है यहाँ पे तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ऑप्शन डी सही है प्रत्येक बिंदु पर औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या है यहाँ पे अधिक है यानी ध्यान से ग्राफ को देखेंगे तो प्रत्येक जो बिंदु है वहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय समान होती है यानी एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर जो बाज़ार मूल्य पर राष्ट्रीय आय वो किसके समान होती है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सभी साधनों के भुगतान के जोड़ में अप्रत्यक्ष कर की रकम जोड़कर तथा उपदानों की रकम घटाकर यानी जो सभी साधनों के भुगतान के जो जोड़ होंगे उनको जोड़ा लिया जाएगा और अप्रत्यक्ष करके जो रकम होगी यानी मनी उसको जोड़ लिया जाएगा तथा उन दोनों में से क्या है जो उपदानों होंगे उपदान की रकम से घटा दी जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से निर्धारित होता है जो निर्भर करता है यानी जो किस पे निर्भर करता है तो इन्होंने दिया है ऑप्शन सी उपरोक्त ए एवं ए यानी ए और यहाँ पे बी होना चाहिए अर्थव्यवस्था की प्राविधिक कार्य क्षमता पर आ, आदाओं की उपलब्धता पर यानी पूंजी श्रम भूमि इस पर जो सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन क्षमता वो निर्धारित होगी तो किस पे होगी अर्थव्यवस्था की प्राविधिक कार्य क्षमता पर होगी और पूंजी भूमि श्रम पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं केन्स के रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केन्स का जो रोजगार सिद्धांत था वो पूर्ण रोजगार का अर्थ इसमें इन्होंने क्या दिया है तो इसमें इन्होंने दिया है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीति अंतराल मापता है समग्र मांग के समग्र पूर्ति पर अधिक को तो यहाँ पर जो स्फीति अंतराल मापता है वो समग्र मांग के समग्रपूर्ति वक्त पर अधिक को कहते हैं पूर्ण रोजगार स्तर पर जब पूर्ण रोजगार का स्तर होता है तब यानी पूर्ण रोजगार का जब स्तर होता है तो वहाँ पर स्पीति अंतराल मापा जाता है, मापता है कि समग्र मांग का जो पूर्ति वक्त समग्र पूर्व आधिक की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं निम्नलिखित आंकड़ों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन कीजिए उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य ये बीस बीस हज़ार करोड़ रुपये पूंजीगत वस्तुओं और तो सेवाओं का मूल्य दस हज़ार करोड़ रुपये निर्यात का मूल्य चार हज़ार करोड़ रुपये आयात का मूल्य और छब्बीस सौ करोड़ रुपये कुल घिसावट मूल्य सोलह सौ सो करोड़ रुपये से कौन सा सही होगा तो घिसावट मूल्य के बाद में ये तो टोटल इसको हम जब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी निकलेगा कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा इकतीस हजार चार सौ करोड़ रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 किसी दिए वर्ष में उत्पादक संसाधनों के मालिकों द्वारा जो कुल आय अर्जित की जाती है उसको मापा जाता है यानी जो आय होती उसको मापा जाता है राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी दिए हुए वर्ष के में जो उत्पादक संसाधनों के मालिकों द्वारा जो कुल आय अर्जित की जाती है तो उससे जो हम मापते हैं यानी राष्ट्रीय आय द्वारा मानव पूंजी में विनियोग का संबंध मानव पूंजी में विनियोग जो होता है उसका संबंध किससे होता है तो ये दिया गया है उपयुक्त तो सभी प्रकार के वैश्य यानी मानव को कुशल बनाना स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम तो इसके क्या है प्रशिक्षण पर व्यय करना यानी जो मनुष्य है वो काम करने के लिए एक कुशल श्रमिक बन सके शिक्षा पर वह यानी उसे शिक्षित करना उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करना यानी इन सभी से क्या है जो मानव है उसको एक अच्छा श्रमिक बनाना जो अच्छे से कार्य कर सके तो इसी में को हम मानव पूंजी में विनियोग कहते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन दिया गया है ट्यूशन बरी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन संकल्पना में जब आय में गिरावट आती है तो उपभोग में कमी दर उपभोग फलन की तुलना में कैसी होगी तो ये यहाँ पे दिया गया है कम होगी नेक्स्ट दिया गया है दोहरी गणना से अभिप्राय है दोहरी गणना से क्या अभिप्राय होता है उस वस्तु की क्या है गणना में दूर यानी दो बार गणना हो जाना यानी कोई वस्तु है उसकी दो बार गणना हो जाना है दोहरी गणना है नेक्स्ट है कींज के तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि विनि करती है कींज के तरलता जाल की जो स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि क्या करती है ब्याज की दर में ये कमी लाएगी यानी जो वृद्धि होगी ये ब्याज की दर में क्या लाएगी कमी लाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्वारा प्रतिपादित निवेश गुड़क है कीन्स द्वारा प्रतिपादित जो निवेश गुड़क दिया गया है तो इन्होंने यहां दिखाया है ऑप्शन डी में दिखाया है वन माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी द्वारा जो निवेश गुड़क की चर्चा की गई है वो वन माइनस डेल्टा वाई अपान डेल्टा सी दिया गया है यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें नेक्स्ट वीडियो आपको थर्टी वन क्वेश्चन से स्टार्टिंग से मिलेगा